अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रंथियां क्या होती हैं। तो हमारे शरीर के अंदर एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड तीन प्रकार की होती हैं, बहिःस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। अब कई बच्चे तो ऐसे कहेंगे कि बहिःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो शरीर के बाहर पाई जाती होगी और अंतःस्रावी शरीर के अंदर पाई जाती होगी। ऐसा नहीं है, जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है वो भी शरीर के अंदर पाई जाती है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी शरीर के अंदर ही पाई जाती है। देखिए दोनों को कैसे समझना है। जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है वो एंजाइम छोड़ती हैं। क्या छोड़ती हैं? एंजाइम छोड़ती हैं बहिःस्रावी ग्रंथि के लिए। ये इसको ब्लड के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगर ये ब्लड के संपर्क में आ गई तो ये कैसी हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। इसलिए इन्हें क्या, इसके लिए इन्हें एक नली की, एक डक्ट की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर ब्लड के संपर्क में आ गई तो ये खराब हो जाती है, इसलिए इनके इनको नलिकाओं के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उनसे क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। जब हार्मोन निकलता है तो किसी नली की आवश्यकता ही नहीं होगी और इनके लिए आवश्यकता नहीं होगी तो ये रुधिर से टच होनी चाहिए। अब इसको देखिए, एंजाइम निकलता है, हमने देखा लार, लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। तो कभी हमने देखा कि हमारे लार के साथ ब्लड निकलता है या रेड कलर का होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें नलिकाओं की आवश्यकता होती है, इनमें नलिकाओं के द्वारा ये एंजाइम बाहर निकलता है। हमने रेनिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन बहुत सारे एंजाइम पढ़ते हैं, वो सभी क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। दूसरा आपने देखा कभी पसीना जो आता है, हमें पसीना आता है, कभी रेड कलर का आता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बहिःस्रावी ग्रंथि है। हम टॉयलेट जाते हैं वो रेड कलर का होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बहिःस्रावी ग्रंथि है। ऐसे ही हमारे आँखों से आंसू निकलते हैं वो भी क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथि है। श्वेत ग्रंथि, हमारी नाकों पे वाइट वाइट कलर की चिकनापन आ जाता है वो भी क्या है, श्वेत ग्रंथि है। श्वेत ग्रंथि होती है वो भी क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। क्योंकि इन सभी ग्रंथियों के लिए एंजाइम निकलते हैं और एंजाइम के लिए नली की आवश्यकता होती है और ये ब्लड से टच नहीं होनी चाहिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों में आते हैं हार्मोन्स। आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। जो अब हार्मोन्स पाए जाते हैं इनके लिए नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती, ब्लड को मैं इसको हार्मोन्स को छोड़ दो वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुँच जाएंगे, तो इनके लिए ब्लड के लिए संपर्क में रहनी चाहिए। दूसरी है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि में एंजाइम भी होते हैं और हार्मोन्स भी होते हैं। इसका उदाहरण ले सकते हैं अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज। अग्नाशय ग्रंथि में ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, ये सब एंजाइम भी निकलते हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो ये इस दोनों मिश्रित ग्रंथि का एक उदाहरण है। हम बहिःस्रावी ग्रंथि में बहुत सारी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे कि आँख से कौन से ग्रंथि होती है, नाक में कौन सी होती है, कान में कौन सी ग्रंथि होती है, उन सभी ग्रंथियों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। कुछ ग्रंथियाँ हैं ये बहिःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, इनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सेरोमीन ग्रंथि, ये जो सेरोमीन ग्रंथि होती है कान में पाई जाती है। अब कान में पाई जाती है तो मतलब बहिःस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि जो हमारे शरीर कान में मेल होता है जिसको हम मॉम बोलते हैं वो इसका निर्माण करती है। इसी प्रकार लैक्राइमल ग्रंथि होती है जो आँख में पाई जाती है। तो आँख में दो प्रकार, यहाँ पे दो प्रकार की ग्रंथि होती है। ऊपर की तरफ होती है जो लैक्राइमल ग्रंथि होती है जो आँख में आंसू का निर्माण करती है। यहाँ एक साइड में एक पंक्तम होता है जो हमारे आँख में आंसू को क्या करता है, स्टोर करता है। नीचे की तरफ एक दूसरी मॉरबियम ग्रंथि पाई जाती है जो तेल का निर्माण करती है। आँख में ही लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो कीटाणुओं से आँख की रक्षा करता है। तो ये सभी बहिःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि क्या करती है, पसीने का निर्माण करती है। अपने देखोगा ब्लैक शर्ट पहनी है गर्मी में, वो शर्ट काली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पसीने में क्या होता है, नमक होता है, जिसके कारण वो कैसी हो जाती है, वाइट हो जाती है। सेबिकस ग्रंथि, जिसे हम तेलीय ग्रंथि कहते हैं, ये सीबम का निर्माण, हमारी नाक पे चिपकना चिपकना कुछ हो जाता है जो क्या होता है, सीबम होता है, तो ये सीबम का निर्माण करती है। और पक्षियों में सीबम ज़्यादा पाया जाता है, मतलब तेलीय ग्रंथियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। आपने देखो पक्षी एकदम चिकने होते हैं।
पाचक एंजाइमों का श्रवण करती है। इसके बाद है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि हमारे शरीर में पाचक एंजाइम रेनिन है, पेप्सिन है, इनका निर्माण करती है। रेनिन दही दूध को दही में परिवर्तित कर देता है और पेप्सिन इसको प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। जब ये हार्मोन सही तरह से प्रवाहित नहीं होते, श्रवित नहीं होते, तो हमें गैस्ट्रिक परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। म्यूकस ग्रंथि, म्यूकस जो हमारे शरीर में नाक, म्यूकस ग्रंथि पाई जाती है, हमारे नाक को कैसे रखती है, चिपचिपा रखती है, ये म्यूकस के कारण ही होता है। इसके बाद है लीवर। लीवर में हेपेटिक कोशिका पाई जाती है, तो लीवर के बारे में हम सब जानते हैं। लीवर हम यकृत को बोलते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत के अंदर कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं, इस प्रकार के एंजाइम हार्मोन्स पाए जाते हैं। अगर यकृत को क्षति पहुंच जाए तो वह स्वतः उसको ठीक करने में सक्षम होती है। इसी में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक दो हार्मोन एंजाइम पाए जाते हैं जो ब्लड को जमाने का कार्य करते हैं। ब्लूरोबिन का निर्माण किया जाता है। अगर ब्लूरोबिन ज़्यादा प्रभावित होने लग जाए तो हेपेटाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। अमोनिया को ये यूरिया में बदल देता है। हमने पहले पढ़ा है कि अमोनिया को तुरंत यूरिया में कौन बदलता है, यकृत बदलता है। और ग्लूकोज को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। इसी प्रकार ये कार्बोहाइड्रेट को फैट बसा में, और बसा किसको बदल देता है, उसको कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। जो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, जिसके कारण हमें हार्ट के संबंधी जो अटैक वगैरह बीमारियाँ जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल के कारण आती है। और क्यों आती है, क्योंकि यकृत में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। तो आपकी ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है बहिःश्रावी ग्रंथि का। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अंतःश्रावी ग्रंथियाँ।